कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हो रही है बहुत ज़्यादा सर्दी, क्योंकि बाहर हो रहा है अच्छा खासा कोहरा, तो इसलिए बैठे हम, मतलब मैं ही बैठी हूँ रजाई में। और अभी दोपहर के बज रहे हैं शायद 1:15 ऐसी है। तो सुबह नाश्ता वाश्ता किया, काम वाम किया अपना, और थोड़ी देर बाहर आग जलाई हुई थी पड़ोसियों ने, तो वहाँ पे जाके आग वाग सेकी। और अब बैठी हूँ फिलहाल रजाई में और देख रही हूँ टीवी अपना फेवरेट अनुपमा। मेरा क्या, लगभग सभी का ही फेवरेट होगा अनुपमा। अनुपमा तो लोग अधिकतर सभी लोग देखते हैं अनुपमा। और अभी उठने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। कल तो अच्छी खासी धूप थी, बहुत अच्छी तेज धूप, लेकिन आज मौसम हो रहा है खतरनाक वाला ठंडा। तो अभी देखते हैं, उठते हैं, कुछ बनाएंगे। क्या खाना तो नहीं बनाना यार, ये भी बोल रहे हैं मेरे को भूख नहीं है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि दाल चावल वगैरह कुछ बनाऊं, पर ये बोल रहे हैं कि भूख है नहीं इतनी। तो देखते हैं कुछ, अभी थोड़ी देर में उठूंगी, फिर क्या नहीं बनाते हैं। और आज हमें कहीं जाना भी था, लेकिन उस वजह से ना हम जा भी नहीं पाए, क्योंकि सुबह इतना कोहरा था ना, इतना कोहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब मतलब कोहरा तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है बादल है कि कोहरा है पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन अभी मैं आपको बाहर का भी, और यहाँ पर तो फिर भी थोड़ी बहुत धूप निकल रही है, लेकिन उधर किस मतलब हरिद्वार यूपी साइड में कई जगहों पे उधर तो कितने दिन हो गए धूप ही नहीं निकल रही है। कम से कम हम लोगों को धूप तो मिल जाती है खींचने के लिए। और क्या, 2-3 दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया, और मन ही नहीं होता ठंड में, कि ये रहता है ना कि फटाफट से काम निपटाओ और अपने रजाई में बैठ जाओ। लेकिन आज देखते हैं, ये बनाना तो होता ही है क्योंकि काम है भाई, काम तो करना ही है। तो देखते हैं अभी क्या कुछ होता है, क्या कुछ करते हैं। कहीं जाने का तो हो भी सकता है, जाए वैसे मुश्किल है क्योंकि इतनी ठंड में बाहर निकलने का मन नहीं होता। तो चलो देखते हैं। तो मैं आ गई थी अभी छत पे, और ये देखो दोपहर का 1:30 बजे, ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो रही होगी। अब देखो वहाँ पे आंटी अंकल ने आग जलाई हुई है। मैं भी अभी वहीं पे थी जब मैं बोल रही थी ना कि मैं भी थोड़ा सा आग सीख रही थी वहाँ पे। और ऊपर आओ ना तो सांस से फूल जाते हैं सीढ़ियाँ चढ़ के, तो वो सीख रहे हैं वहाँ पे आग। और ये सामने पहाड़ है जो आज बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि क्या है आगे। देखो इतने सुंदर लगते हैं ना ये खेत, बहुत प्यारे लगते हैं हरे भरे से, बहुत मस्त व्यू रहता है हमारे घर के आसपास का। और ये गेहूं के खेत हैं, और यहाँ पे ना हाथी भी आ जाते हैं कई बार, जो बीच बीच में से ना खा के चले जाते हैं हाथी। पूरा परिवार विद फैमिली आते हैं, वो 2 बड़े हाथी और 2 उनके बच्चे। तो यहाँ पे लोगों ने करंट भी लगाया हुआ है, पर करंट भी क्या विचारों के लिए, उन्हें भी तो कुछ ना कुछ खाना ही होता है। यहाँ पे देखो यह दूर दूर तक जंगल, और यहाँ पे अभी ज़्यादा घर नहीं बने हुए हैं, घर यहाँ पे कमी है। बाहर कोई दिखाई नहीं देता पूरी गली में, क्योंकि ठंड में कौन बाहर निकलेगा, सब अपने इधर उधर बाहर ही है। आज मैंने कपड़े भी नहीं धोए, इतनी ठंड में कपड़े धोने का तो नहीं होता, धो तो लेते पर सूखते नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है। इससे तो अच्छा ये है कि जब धोने हों निकलेगी तो धो लेंगे।
मजेदार शाम, शाम नहीं दोपहर, दोपहर और अच्छा अच्छा से व्यू। ठंड का भी वैसे अपना ही मजे होते हैं, मज़ा आता है ठंड में भी। गर्मियाँ होती हैं तो ये रहता है हाय गर्मी, हाय गर्मी, सर्दियाँ अच्छी हैं, सर्दियाँ अच्छी हैं, और जब सर्दियाँ होती हैं तो फिर गर्मी याद आती है। इंसान को किसी भी ना किसी मौसम में भी चैन नहीं है। वो वहाँ पे ना घर बन रहा है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो उधर बन रहा है घर। मजदूर बेचारे ना देखो, ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, उन्हें बेचारों को अपने काम करना ही करना होता है, क्या करें, फर्क नहीं है। काम करेंगे तभी कुछ परिवार को चला पाएंगे। और यहाँ पे इतना ठंडा इसलिए भी लगता है क्योंकि देखो पता है आसपास ना कोई घर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा घर रहे ना तो थोड़ा सा ठीक लगता है। और यहाँ पे ऐसी हवा आती है ना जंगल की, पहाड़ों की, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा। अच्छा लगता है ठंड में। और अब चल रही हूँ मैं मैगी बनाने, क्योंकि हल्की फुल्की भूख है ना, ज़्यादा भूख होती तो कुछ और देखते। सुबह नाश्ता वास्ता कर लिया था अच्छे से, 11 बजे तो नाश्ता ही किया था, उसके बाद कहाँ भूख लगती है। और अभी ये फ्रूट्स वगैरह लिए, अभी आया था कीनू और अमरूद, अभी ये लिया। और अब बनाते हैं हम मैगी। देखो ये यहाँ पे, क्योंकि इनका रहता है ऑनलाइन काम, तो ये भी अपने रजाई में छिपे हुए हैं। और अब बज रहे हैं इस टाइम पे दोपहर के 2। अब ये पता नहीं ये काम कर रहे हैं कि मोबाइल देख रहे हैं, वैसे काम ही कर रहे हैं, इनका काम चलता है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन, तो ये इस वाले रूम में बैठे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। कभी 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 बीच में 1-2 बार ही जाते हैं बाहर, वरना इनका वर्क होमवर्क ही है। और अब चलते हैं किचन में, क्या बनाऊँ, मैगी बना लूँ है ना। तो यहाँ पे ले लिए मैंने 2 पैकेट मैगी, 1 प्याज और टमाटर। अब प्याज को काट लेते हैं हम बारीक बारीक। और जैसे ही मैं किचन में आती हूँ, थोड़ा सा कुछ कहीं वीडियो बनानी होती है कुछ है, तुरंत लाइट चली जाती है। ये कढ़ाई रख ली है, उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ज्यादा ऑयल नहीं डलता है इसमें। एक छोटा सा काट लेते हैं टमाटर। और सुबह नाश्ते में बनाए थे मैंने मूली की भुर्जी, मूली और आलू की भुर्जी, तो वो खाई थी। 11 बजे तो नाश्ता किया ही था, तो फिर कहाँ भूख लगती 1-2 बजे तक। जिस दिन कभी कभी नाश्ता जल्दी हो जाता है तो फिर बना लेते हैं दिन में खाना। ये तेल हो चुका है गरम, इसमें काट रहे हैं हमने ये जो प्याज, ये डाल देते हैं। टमाटर में से पूरा ही डालूंगी, थोड़ा सा ही डालूंगी बस, आधा टमाटर। थोड़ा सा नमक, बटर डालते तो वो और टेस्टी बनते, लेकिन हम कई दिन से कहीं गए नहीं तो सामान अभी तो बटर वगैरह नहीं लगे लेके आए। डाल देते हैं पानी, लगभग 1.5 गिलास पानी का मैंने इसमें डाल लिया। Thank you.
इधर बन रही है हमारी मैगी। देखते हैं क्या करिए, अजीब सा धुंधला धुंधला सा क्यों हो रहा है। सर्दियों में ना ज्यादा कुछ करने का मन नहीं करता, काम चोर हो जाते हैं सब। मैं तो हो जाती हूँ काम चोर, औरों का मुझे पता नहीं। अगर लगे रहो काम में तो काम हो जाते हैं, और अगर थोड़ा सा बैठ गए ना हम, फिर उठने का मन नहीं करता। मुझे तो लगता है कुछ भी थोड़ा बहुत खाया और हो गया काम। यहाँ पे अभी मैगी बन चुकी है और हम गरम गरम खाते हैं मैगी। और मैगी ना थोड़ा सूपी बनाती हूँ मैं, मतलब ऐसे नहीं बनाती, बिल्कुल ड्राई थोड़ी सी। मैगी बन चुकी है, अब मैं इनको दे के आ जाती हूँ ये मैगी। और अब हम भी खा लेते हैं मैगी। अब हम भी खा ले हैं, मतलब इन्हें तो मैंने दे दी है, अब मैं भी खा लेती हूँ गर्मा गर्म मैगी ठंडे ठंडे मौसम में। तो अभी बज चुके हैं 5:30 और बहुत मुश्किल से रजाई से निकल के आई हूँ, क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा था। और एक बार रजाई में बैठ जाऊँ तो फिर उठा नहीं जाता। और अब मैंने सोचा फटाफट से बना लेते हैं चाय। यहाँ पे चाय रख दी है मैंने बनने के लिए। तो चाय भी बन जाएगी, और ये शाम के लिए बीन्स निकाल लिए हैं फ्रिज से। अभी थोड़ा सा, जब अभी तो बहुत ठंडी है, जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे तब मैं इसको काट लूंगी। पहले सोच रहे थे कि चाय के साथ बना लेते हैं पकौड़ी, पर फिर मन नहीं करा। या चाय में उबाल डाल देते हैं जरूर। चाय बन चुकी है, तो भी यहाँ पे बन चुकी है शाम की चाय भी, और अब हम भी चाय पी लेते हैं, और आप लोग भी ठंड के मौसम में पी लीजिएगा, पी लो गर्मा गर्म चाय। और मिलते हैं आपसे एक नई ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।